अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फंजाई और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में, और इसके आज पास्ट पेपर के सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, आज हम उनकी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगल इन्फेक्शन, सेलेक्ट फ्रॉम ऑल द ऑप्शन बिलो। कि यहाँ से हमने मेडिकली इंपॉर्टेंट जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि कौन सा राइट ऑप्शंस है। सुपरफिशियल माइकोसिस, सबक्यूटेनियस माइकोसिस, अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, डी ऑप्शन सिस्टमिक माइकोसिस। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है कि चारों के चार ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is not general characteristics of fungi? Option A, they are heterotrophic eukaryotic cells. Many fungi contains glucose polymers. C option, reproduce asexually only. D option, the cell wall is composed of lipids. तो यहाँ हमारे पास इसका right option, correct option जो है वो C है, reproduces asexually only. Question number 3 है, which of the following dimorphic fungi is an important human pathogen? के ऐसा dimorphic fungi जो के important है as a, ये act करते हैं as a human pathogen के part of view से, वो हमने select करना है। Option A, Cryptococcus neoformans, Blastomycetes dermatophytes, Mucor, D option Aspergillus niger। तो यहाँ हमारे पास जो इसका correct option है वो हमारे पास है बी ऑप्शन, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइट्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट अबाउट हाइफी? हाइफी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स यहाँ मोस्ट के वर्ड का थोड़ा सा केयरफुली रहना कि जहाँ मोस्ट का वर्ड आ जाए तो वो उसमें से एक और भी दो ठीक हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट आपने वो करना है जो मोस्ट करेक्ट हो। तो इसमें हमने मोस्ट करेक्ट सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट एंड फंजाई। ऑप्शन बी, दे आर ए ग्रुप ऑफ माइसीलिया। ऑप्शन सी, ऑल फंजाई हैविंग हाइफी कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग वॉल कॉल्ड सेप्टा। ऑप्शन डी, द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डी है कि दी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन यीस्ट एंड मोल्ड? यीस्ट और मोल्ड्स के दरमियान, दोनों हालांकि फंगस हैं लेकिन इनके दरमियान एक कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो एक दूसरे को डिफरेंट करते हैं? ऑप्शन ए है, यीस्ट एंड मोल्ड्स बोथ आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी, मोल्ड रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, whereas yeast reproduce asexually. Option C है, molds have fuzzy growth colonies and yeast from smooth colonies. Option D है, both molds and yeast appear in many different colors. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट ऑप्शंस हैं वो 2 है, B एंड C, कि molds reproduce both asexually and sexually, whereas yeast reproduce sexually. और C भी ऑप्शन करेक्ट है कि molds have fuzzy growth colonies and yeast from smooth colonies. तो इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। एग्जामिनर आपको इसमें से एक देगा, दोनों नहीं देगा, अदरवाइज किसी एक में नॉट का वर्ड यूज कर सकते हैं। 6 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट अबाउट डर्मेटोफाइटोसिस? के ऑप्शन ए, माइक्रोस्पोरम कैनिस काजेस क्रोनिक डर्मेटोफाइटोसिस, dimorphic fungi only cause dermatophytosis, it is the fungal invasion of tissue of hair, skin and nails. D option, the most common cause of lung infection. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सी है कि it is the fungal invasion of tissues of hair, skin and nails. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, the pH level of the fungal culture media is an important growth factor for fungi. What is the best pH range of for the growth? pH A ऑप्शन में 7 to 9, B ऑप्शन में 3 to 5, सी ऑप्शन में 2 to 7 एंड डी ऑप्शन में 4 to 6। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है कि पीएच 4 to 6 होने चाहिए। राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन स्टेन यूज्ड इन द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर द फंगल इंफेक्शन स्पेसिमेन एक्सेप्ट। ए ऑप्शन इंडियन इंक स्टेन, सिल्वर स्टेन, सी ऑप्शन लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन, डी ऑप्शन लेशमैन स्टेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन है कि लेशमैन स्टेन्स ये यूज होती है, इसके अलावा बाकी यूज होती है, ये यूज नहीं होती, एक्सेप्ट में ये आएगा डी ऑप्शन लेशमैन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है व्हाट कलर डज द फंगल सेल वॉल अपीयर व्हेन डाइड विद पीरियोडिक एसिड शिफ स्टेन। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी इट अपीयर्स कलरलेस, ऑप्शन डी वॉयलेट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो राइट आंसर है वो है रेड। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई प्रोड्यूसेस पॉइजनस सब्सटेंस माइकोटॉक्सिन कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन एंड कैन। ऑप्शन ए कैंडिडिया अल्बिकन्स, म्यूकर, ऑप्शन सी एस्पैरिगलस फ्लेवस एंड ऑप्शन डी राइजोपस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एस्पैरिगलस फ्लेवस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स पूछ रहा है कि द ग्रोथ टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डाइमॉर्फिक पैथोजेनिक फंजाई व्हिच एग्जिस्ट बोथ इन यीस्ट एंड मोल्ड्स। कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ट्रू। Question number 12 है which of the following is the most correct statement regarding the deuteromycetes, also known as fungi imperfecti। तो इसके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में वो हमसे ये पूछ रहा है, बता रहा है कि they are the causative agents of subcutaneous mycosis, they are sexually reproduction method is not clearly known, they produce basidiospore through asexual reproduction method, none of the above। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास द यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कि ये वाली यीस्ट जो है कौन सा प्रोडक्शन उससे बनाती है प्रोडक्ट जब ये कुछ प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन ए वाइन, ऑप्शन बी ऑरेंज जूस, ऑप्शन सी चीज एंड ऑप्शन बी सॉसेज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन वाइन, कि ये वाली यीस्ट जो है वाइन प्रोड्यूस करती है, वाइन इसका प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड का जनरल कैरेक्टर्स क्या है? सेलेक्ट फ्रॉम ऑल द ऑप्शन बिलो। ऑप्शन ए है दे आर आल्सो कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन बी the causative agent for potato and tomato diseases, they can also grow on fresh water, all of the above। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास सी है क्वेश्चन नंबर 14 का, they can also grow on fresh water, कि ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है what are the most common laboratory culture media for fungal growth, कि कौन सा ऐसा फंगल ग्रोथ मीडिया के लिए कौन सा यूज होता है। ऑप्शन ए, अगर इस तरह की स्टेटमेंट ऑलरेडी गुजर चुकी है तो नीचे ये जो ऑप्शंस हैं ये चेंज होंगे। तो समटाइम ऑप्शन सेम होते हैं, ऊपर स्टेटमेंट चेंज होती है, समटाइम स्टेटमेंट चेंज होती है, तो ये ऑप्शन चेंज होते हैं। तो इस वजह से इस चीज का केयरफुल रहना है। ऑप्शन ए सेबोरेंट डेक्सट्रोज एगर, ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन एगर, थायर मार्टिन मीडियम्स एंड कॉर्नी मील आगर्स। तो इसके जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन हमारे पास 2 है, ए एंड बी। एग्जामिनर इसमें से आपको 1 दे सकता है। स्टूडेंट्स अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।